भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव में ड्यूटी में लगाए गए सरकारी विभागों के कर्मचारियों को मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई है, जो फॉर्म 12 भरकर अपने विभागों में जमा करा सकते हैं और पोलिंग पार्टी के रवानगी के पहले अपना मत का प्रयोग बैलेट पेपर के माध्यम से कर सकते हैं। इसी से संबंध में एक बैठक उप संचालक चकबंदी प्रशासनिक अवधेश सिंह की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में युवा खेलकूद कल्याण अधिकारी संजय सिंह, एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, 26वीं वाहिनी पीएसी के उप सेना नायक कमल किशोर, आरटीओ प्रशासन डीडी मिश्रा सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप संचालक चकबंदी अवधेश सिंह ने बताया। तो अगर मार्क नहीं रहेगा तो पानी चाटी का उसका हस्ताक्षर नहीं रहेगा तो उसको हो गया नहीं पूछ लीजिए हमारा खत्म हो गया, नंबर ले लिया हूँ। पैसे क्या दिया जाएगा? हाँ सर, सर कितने बजे सीट कराना होगा? उसमें ऑलरेडी आयोग का निर्देश यही है कि आप फैसिलिटेशन सेंटर पार्टी समय भी करेंगे, तो ये इंस्ट्रक्शंस तो है लेकिन हम करने की खुली स्थिति जिस दिन पोलिंग पार्टी प्रस्थान करेगी उसके पहले प्रशिक्षण होगा वहाँ पर, फैसिलिटेशन सेंटर उपलब्ध रहेंगे वहाँ पर, अपनी वो दे करके अपनी ड्यूटी पर है, हम लगे हुए हैं, हम यहाँ के सेक्टर मजिस्ट्रेट या उनको पीपी जारी होगा जिसके लिए वो जैसे जो डाक मतपत्र और ड्यूटी प्रमाण पत्र के आधार पर जो अपने बूथ पर जाकर वोट नहीं दे सकते हैं उनके लिए बुलाया गया था, प्रशिक्षण है जो नोडल अधिकारी विभागों के उनको बुलाया गया था, उनको प्रशिक्षण दिया गया और फॉर्म 12 का भी दिया गया है कि जिसे अपने कर्मचारियों को बता भी दें, समझा भी दें और उनको फॉर्म भरवा कर ले लें और उनको वोट देने के लिए जो भी अगर पोस्टल बैलेट की ज़रूरत है तो पोस्टल बैलेट पर जारी हो जाएगा, IDC के जरिए अगर वोट देना चाहे तो उसके लिए EDC जारी हो जाएगा। अभी इन मीटिंग में से ही लिया गया कि आपके पास कितने इस तरह के हैं डिमांड वो बता दें तो जैसे हमको सूचना मिल जाएगी आप चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये किस समय अपना वोट करेंगे? उसी समय जाते समय करेंगे कि नहीं? वो तो वोट तो उसी दिन का, पीवी के लिए पहले 3 दिन पहले तक इनको देना पड़ेगा। वो नहीं, एक तो फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा जहाँ ट्रेनिंग होगी वहाँ भी सुविधा दी जाएगी और वोट वहाँ अगर EDC जारी होगा तो अपने बूथ पर जाकर वोट दे देंगे।